कोला पिला दे। इतना इरिटेटिंग गाना यार। सामने चल रही है घिसाई, पीछे गिर रहे सरिये, मेरी जिंदगी ऐसी ही चलती रहेगी। दर्द हो रहा है यार, अभी वैक्सीन लगा के आई हूँ मैं, उठ भी नहीं रहा पता ऐसे, अब दर्द होना शुरू हो जाएगा। जब तक मैं वीडियो एंड करूंगी ना दर्द और बढ़ जाएगा, तो फटाफट खत्म करते हैं जल्दी जल्दी जल्दी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कशिका, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी एट होम। सो आज मैं बात करने वाली हूँ मेरे अगस्त फेवरेट्स की, और लिटरली मैं जब भी मंथली फेवरेट्स बनाती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है टाइम इज लिटरली फ्लाइंग। मैं एक मंथ का फेवरेट बनाती हूँ, अपलोड करती हूँ, चुटकी बजाई नेक्स्ट मंथ का फेवरेट फटाफट आ जाता है। मतलब आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि कल परसों हमने न्यू ईयर बनाया था और फटाफट से ये साल भी खत्म होने वाला है। चार महीने में 2021 खत्म हो रहा है और मेरे अभी भी काफ़ी सारे गोल्स जो रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं गोवा नहीं गई अभी तक, मेरी बकेट लिस्ट में वो इतने सालों से रखा हुआ है ना। आई होप इस साल खत्म होने से पहले मैं गोवा का बीच देख पाऊँ। डू लेट मी नो आपके ऐसे कौन से गोल्स हैं जो अभी रहते हैं, जो आपको चार महीने में खत्म करने या फिर कोशिश कर रहे हो कि वो पूरे हो पाए, मुझे जरूर शेयर करना नीचे कॉमेंट सेक्शन में। सो एज यूजल मैं मंथली फेवरेट्स की बात करती हूँ, कैटेगरी वाइज ब्यूटी, फैशन, एक्ने, स्किन केयर, मेकअप एज वेल, और इंस्टाग्राम शाउट आउट्स भी हम करते हैं जो अच्छे अच्छे मुझे लगते हैं स्मॉल बिजनेस में, उनके बारे में बात करती हूँ। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। बाय द वे, अगर आप पूछो कि मैंने क्या पहना हुआ है, बिकॉज काफी कमेंट्स आते हैं जो मैंने पहना होता है, तो मैं पहली बता देती हूँ, इट्स अ होल सेट बाय द वे। ये टॉप है, इसके बाद पैंट्स भी आते हैं, इट्स बाय अमृता चावला, शी इज अ डिजाइनर, हर इंस्टाग्राम पेज नेम इज क्रेप्स एंड ड्रेप्स, मैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। दे मेक सम अमेजिंग इंडो वेस्टर्न स्टफ, इतने भी बनाते हैं, वेस्टर्न भी बनाते हैं, दे ऑल्सो कस्टमाइज, सो यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू देयर पेज इफ यू वांट टू गेट सम कस्टमाइज आउटफिट्स। मैं नीचे लिंक डाल दूंगी, आप जरूर चेक करना। इट इज अ वेरी प्रिटी ब्लिंगी ब्लिंगी सॉर्ट ऑफ टॉप, और इसके बाद पैंट्स है, मैं यहाँ पे इमेज डाल दूंगी ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर आइडिया मिल पाए। डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन एज वेल, यही हमारे लिए बेस्ट रिवॉर्ड होता है अगर आपको हमारा कॉन्टेंट पसंद आता है। कुछ नहीं करना, थोड़ी देर लगती है सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करने में। स्टार्टिंग विद माई फेवरेट कैटेगरी विच इज एक्ने स्किन केयर, उसमें मेरा अगस्त मंथ का जो फेवरेट प्रोडक्ट रहा है ना, वो है ये मारियो बेडेस्को का ड्राइंग लोशन। काफी फेमस ये प्रोडक्ट है, बाहर तो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, अब ये इंडिया में भी अवेलेबल है। मारियो बेडेस्को इज एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ऑन नायका। इन्होंने मुझे PR में ना इनकी पूरी स्किन केयर रेजिम भेजी थी और मैंने ट्राई करी, मुझे अच्छी लगी, सो मैंने एक रील्स बना दी थी, और वो स्पॉन्सर्ड नहीं थी, वो PR थी। मुझे अच्छी लगी ब्रांड, तो मैंने सोचा क्विक सी रील बना देती हूँ। सो उसी रेंज में ये स्टेप है, बेसिकली इसका नाम है ड्राइंग लोशन, और इसको ना लोग काफी गलत तरीके से यूज करते हैं। व्हाट दे डू, इसमें आपको दिख रहा होगा ऐसे ना, पानी हल्का हल्का सेपरेट हो रहा है और नीचे कैलामाइन जो होती है वो बैठ रही है। सो लोग क्या करते हैं, ऐसे शेक करते हैं इसको और फिर क्यूटिप डिप करते हैं फिर लगाते हैं, बट ऐसा नहीं लगाना होता। सो इसको आपको थोड़ी देर तक ना स्टेडी पोजिशन पर रखना है, कोशिश करो थोड़ा लंबा टाइम के रखो। नॉर्मली जब वार्डरोब में रखोगे तो एकदम स्टेडी पोजिशन ही होगी वो, तो उसमें क्या होगा, जो कैलामाइन होगी ना वो एकदम नीचे सेटल डाउन हो जाएगी और ऊपर पूरा ट्रांसपेरेंट एक लिक्विड। अभी तो आपको ये शेक करने की वजह से ऐसा कुछ दिख रहा होगा जो हल्का सा पिंकिश है, जब इसको आप बिल्कुल स्टेडी पोजिशन पर रखोगे ना, इसका पूरा लिक्विड एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, यहाँ पर जो कैलामाइन है वो नीचे सेटल हो जाएगी। सो ये होने के बाद आपको क्या करना है, आपको क्यूटिप लेनी है, नीचे तक बिल्कुल उसको डिप करना है, क्यूटिप की लेंथ इतनी होती है तो नीचे तक चली जाती है। सो पहले वो कैलामाइन को टच करती है और फिर वो जो लिक्विड होता है उसको टच करती है। इसके अंदर बेसिकली सैलिसिलिक एसिड है, सल्फर है, नीचे कैलामाइन है। सो ये ओवरऑल क्या है, एक्ने के लिए काफी अच्छा होता है। आप इसको कोई भी बंपी वाला जो पिंपल होता है, काफी बार क्या होता है वो रेड रेड कलर के बंपी पिंपल नहीं होते, आप उसमें कुछ भी लगा लो वो नहीं ठीक होता, उसको आपको सुखाना ही पड़ता है। सो ये ड्राइंग लोशन उस सेंस में काफी ज्यादा हेल्प करता है। मैंने इसको अपने पस्टूज पर भी यूज किया है, इसने उस पर भी वर्क किया है। द ओनली कॉन इज इसको ओवर यूज मत करना, बिकॉज सैलिसिलिक एसिड है, सल्फर है, कहीं ना कहीं से स्किन को ड्राई आउट कर सकता है, वहां पे बर्न भी आपको पड़ सकता है। सो ओवर यूज नहीं करना डेली, या फिर स्किप करके, या फिर जो भी आपको पर्टिकुलर कहीं पे स्पॉट पे एक्ने हो गया हो, क्यूटिप को डिप करो, उसके ऊपर लगाओ और छोड़ दो, ये ओवरनाइट ट्रीटमेंट की तरह काम करता है। इंग्रेडिएंट्स की अगर बात की जाए, इसके अंदर टॉप पे अल्कोहल है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, कैलामाइन है, इसके अंदर कैम्फर है, सल्फर है, जिंक ऑक्साइड है, ग्लिसरीन है, सैलिसिलिक एसिड है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड है। ये क्रुएल्टी फ्री और पैराबिन फ्री ब्रांड है बाय द वे। मारियो बेडेस्को को काफी हेट मिली थी जब पहले, बिकॉज इनके जो स्प्रेस थे उसमें काफी खुशबू एंड ऑल लोग बोलते थे। सो वो आप स्किप कर सकते हो, आपको कोई लेने को नहीं बोल रहा, बट डेफिनेटली ये वाला प्रोडक्ट आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको पिंपल या फिर पस्टूल की प्रॉब्लम है। वेरी हेल्पफुल। नेक्स्ट स्किन केयर फेवरेट इज फ्रॉम द रेंज नायका ओनली। नायका ने रिसेंटली लॉन्च किया है उनके स्किन RX सीरम। सो नेम है रेंज का स्किन RX, उसके अंदर उन्होंने चार सीरम्स लॉन्च करे। मैंने इंस्टाग्राम पर ऑलरेडी इनकी बात कर दी थी अपनी स्टोरीज पर, अच्छे से एक्सप्लेन किया था। सो अगर आप नहीं फॉलो करें प्लीज गो देयर एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी जल्दी आ जाती हैं। सो लॉन्च तो अभी रिसेंटली हुए थे, 1.5 वीक अगो आई गेस, लेकिन ये मुझे बहुत पहले PR रिसीव हो गया था, सो मैंने तब से ये ट्राई करना शुरू कर दिया था। सो इस रेंज के अंदर सबसे पहले आता है हाइलुरोनिक एसिड का सीरम जो है ये, फिर उन्होंने साथ
salicylic acid का एक acne treatment वाला serum निकाला है, फिर इन्होंने retinol निकाला है, niacinamide, so जो usual serums आते हैं ना वो Nykaa ने कहीं ना कहीं revamp करके अपने कुछ अलग ingredients डाल के बनाए हैं. So उसमें से जो मैंने recently use किया August month में, जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो है ये Hydra RX 2% hyaluronic acid, 1% marine algae extract, intense hydration serum. So काफ़ी बार क्या होता है ना, मेरे पास सारे जो serums हैं वो treatment based हैं, like salicylic acid हो गया, vitamin C हो गया, niacinamide, and काफ़ी बार heavy makeup करो, कहीं जाना हो, party में जाना हो, मुझे नहीं use करना treatment based serum. मुझे base पर एक ऐसा serum चाहिए जो मेरी skin को plump रखे, अच्छा hydration provide करे, because जब heavy makeup करो ना तो skin crack होनी बहुत जल्दी शुरू हो जाती है, तो एक अंदर से hydration आनी बहुत ज़रूरी है. और उस case में सबसे best ingredient होता है ना वो hyaluronic acid ही होता है. और मेरे पास अभी रिसेंटली मैं कोई ब्रांड का हाइलुरोनिक एसिड नहीं रखा था, तो मैंने इसको आते ही ट्राई करना शुरू कर दिया था. आई लव्ड इट, बहुत अच्छा है. जो टिपिकल हाइलुरोनिक एसिड का एक कंसिस्टेंसी होती है ना, इसकी बिल्कुल वैसी कंसिस्टेंसी है, अच्छे स्किन में ब्लेंड हो जाता है. बाय द वे, जब भी हाइलुरोनिक एसिड लगाओ हमेशा डैम स्किन पर लगाना चाहिए, थोड़ा सा रोज वाटर कुछ भी पानी स्प्रे कर सकते हो, फिर अपना हाइलुरोनिक एसिड सीरम लगाया करो, बिकॉज ये ज्यादा बेटर वर्क करता है डैम स्किन के ऊपर, बिकॉज इट काइंड ऑफ सक्स ऑल द मॉइस्चर फ्रॉम आउटसाइड. तो कहीं ना कहीं से आप थोड़ा सा स्किन पे दे दोगे ना तो बेटर रहेगा. मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसके ऊपर. आप डेफिनेटली हैवी मेकअप कर सकते हो, उसको अच्छे स्किन पर मसाज करो, फिर कोई मॉइस्चराइजर लगा लो, प्राइमर के बाद आप जो भी फाउंडेशन ऑन लगाओगे अच्छा रहता है, स्किन एकदम प्लम्प रहती है, हेल्दी हेल्दी रहती है. सो जिस दिन भी आपका कोई भी ट्रीटमेंट सीरम लगाने का मन नहीं है, आप डेफिनेटली हाइलुरोनिक एसिड यूज़ कर सकते हो. इसको आपने केमिकल एक्सफोलिएशन के बाद भी यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आपने AHA BHA एक्सफोलिएटर यूज़ किया, आपको नहीं समझ आ रहा मैं उसके बाद क्या लगाऊं, हाइलुरोनिक एसिड सबसे सेफ ऑप्शन होता है. ये है बेसिकली डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, फ्रेग्रेंस फ्री, अल्कोहल फ्री, मेड फॉर ऑल स्किन टाइप, पैराबिन फ्री एंड क्रुएल्टी फ्री टू. सो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. Nykaa के जितने भी सीरम है ये फ्रेग्रेंस फ्री है, सो अगर आपको फ्रेग्रेंस से कुछ भी प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप Nykaa के सीरम्स ट्राई कर सकते हो, बिकॉज पर्सनली मुझे अच्छे लगे हैं. नाउ कमिंग टू हेयर केयर कैटेगरी, वैसे तो रिसेंटली मैंने पूरी इन डेप्थ हेयर केयर रूटीन वीडियो बनाई है जो नॉन स्पॉन्सर्ड है. मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ समझाई है, बिकॉज रिसेंटली मुझे फर्स्ट डोज के बाद या फिर मॉनसून की वजह से मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हुआ था, ऑलमोस्ट मैं गंजी होने की लाइन पर आ चुकी थी, बिकॉज एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा था. सो उस टाइम मैंने बहुत ध्यान रखा अपने बालों का, तो मैंने जो जो चीज़ें यूज़ करी ना मैंने उसका पूरा एक रूटीन आपको बनाकर दिया है, वो वीडियो आप ज़रूर जाकर देखना. लेकिन उसमें से जो मेरा अगस्त मंथ का फेवरेट है, जिसको मैंने थरली इन्जॉय किया अगस्त मंथ में और अभी खत्म भी होने वाला है, वो है ये प्लम का जिनसिंग फॉर रेस्क्यू स्कैल्प सीरम. ये फ्रेग्रेंस फ्री है बाय द वे, सो इसका नाम सीरम है, लेकिन ये पोस्ट शैम्पू या हेयर वॉश वाला सीरम नहीं है जो यूजली हम हेयर एंड्स पे लगाते हैं ना, ये वो वाला सीरम नहीं है. ये बिल्कुल पानी जैसा टेक्सचर है जिसको आपको स्कैल्प पर लगाना होता है, जो स्पेसिफिकली हेयर फॉल के लिए होता है, हेयर ग्रोथ के लिए होता है. बाय द वे इसके अंदर जिनसिंग है और इसकी जो पैकेजिंग है वो कुछ इस तरह से आती है. यू ट्विस्टेड ऐसे नॉजल है, आप ऐसे पोर करके इसको डाल सकते हो, इजिली अपने पार्टीशन पे इजिली अप्लाई करके मसाज कर सकते हो. एकदम टाइट मत दबाना, बिकॉज बिल्कुल पानी है और ड्रिप हो जाएगा आपके फेस के ऊपर, जो मेरे साथ 2-3 बार हो चुका है. सो हल्का सा अनलॉक करके ध्यान से डालना. मैं इसको अपने शैम्पू से एक दिन पहले रात को लगाती हूँ अच्छे से स्कैल्प के ऊपर. द बेस्ट थिंग इज ये ग्रीसी नहीं है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, ये बिल्कुल पानी जैसा टेक्स्चर है, फटाफट से स्कैल्प के अंदर चला जाता है, ऐसा लगता है आपने कुछ लगाया नहीं है. थोड़ी देर बाद आपके हेयर एकदम ड्राई हो जाएंगे, वो ग्रीसीनेस आपको फील नहीं होती, विच इज़ गुड, बिकॉज अभी क्या मानसून का मन चल रहा है और ऑलरेडी ह्यूमिडिटी इतनी है हवा में, और कोई ऑयल लगा लेते हो और ज़्यादा चिपचिप फील होता है, अच्छा नहीं लगता. और मुझे तो ऐसा लगता है मेरा हेयर फॉल और ज़्यादा हो रहा है हैवी ऑयल्स लगाने की वजह से इस सीज़न में स्पेसिफिकली. सो मुझे इसका टेक्स्चर, इसका ओवरऑल यूज़ काफ़ी अच्छा लगा. ये बाय द वे 7 free formula, इसके अंदर सिलिकॉन, अल्कोहल, थैलेट, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, जिंक, सल्फेट कुछ भी नहीं है. ये काफ़ी अच्छा एक हेयर ट्रीटमेंट है. इसके अंदर अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स आई कैन रीड. लैक्टिक एसिड है, जो अगेन एक AHA होता है. बाय द वे AHA को आपने स्कैल्प पर भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज स्कैल्प पर भी क्या होता है, वो एक डेड कहीं ना कहीं स्किन होती है जहाँ पे पूरी जमी होती है. सो AHA एक्सफोलिएशन उस वे में भी काफ़ी हेल्प करती है. देन इट हैज़ जिनसिंग एक्सट्रैक्ट है, इसके अंदर रोज फ्लावर एक्सट्रैक्ट है, सेंट्रलाइज्ड अर्टिका है, देन इट हैज़ एल्बा एक्सट्रैक्ट है. मतलब इसके तो बहुत अच्छे अच्छे एक्सट्रैक्ट्स हैं जो हेयर के लिए काफ़ी अच्छे हैं. और पर्सनली मैं खुद कह सकती हूँ, मैंने जब से इसको यूज़ करना स्टार्ट किया ना, मैंने अच्छा खासा डिफरेंस देखा है अपने हेयर फॉल में. सो इसकी MRP थोड़ी हाई है, लेकिन रिजल्ट्स अच्छे हैं ना, तो मुझे उस हिसाब से वर्थ इट लगा. 650 की MRP आप मेरा कूपन कोड लगा सकते हो जो प्लम की ऑफिशियल वेबसाइट पर वर्क करता है, विच इज Krishika15, उससे आपको एक्स्ट्रा 15% ऑफ मिल जाएगा. और अगर इस पर कोई डील चल रही होगी तो आपको और डबल डिस्काउंट मिल जाएगा. सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. नाउ कमिंग टू मेकअप फेवरेट, सबसे पहला मेरा फेवरेट मेकअप आइटम अगस्त का है Maybelline Fit Me का ये फाउंडेशन विद क्ले. काफ़ी टीनी टाइनी पैकेजिंग है, बट आई थिंक अभी कोविड का चल रहा है ना, हम इतना ज़्यादा स्टेप आउट नहीं करते, तो जितनी बार निकलते हैं उस हिसाब से क्वांटिटी ठीक ठाक है, आपके अच्छे खासे टाइम के लिए चल जाएगा. आई रियली लाइक इट. सो इनकी जो ग्लास वाला Fit Me आता है ना, वो मैंने अपने कॉलेज टाइम पे यूज़ करती थी. मैं आई गेस मोर देन 6 ईयर्स हो चुके हैं. मैं उस टाइम जब यूज़ करती थी, मुझे उसको यूज़ करके ना बहुत ग्रीसी फील होता था, कॉमेडॉन्स जैसे
निकलने शुरू हो जाते थे. मे बी अब उन्होंने फॉर्मुलेशन चेंज कर दी हो, आई रियली कांट कॉमेंट, बिकॉज ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मुझे इससे कुछ भी साइड इफेक्ट एंड ऑल नहीं हुए. सो ग्लास वाली मैं डेफिनेटली फ्यूचर में ट्राई करने वाली हूँ, बट फॉर नाउ मुझे काफ़ी अच्छी लगी. मैंने सेम शेड मंगवाया जो मैं उसमें यूज़ करती थी, 128, परफेक्टली मुझे सूट करता है. ये है मैट पोलेस, नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए बना है. अगर आप मेरे से पूछोगे ना मुझे कुछ बीबी क्रीम सजेस्ट करो, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, हल्के फुल्के डार्क सर्कल्स एंड ऑल, कवरेज चाहिए ठीक ठाक लेकिन हैवी नहीं चाहिए, आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस. कोई भी रेगुलर बीबी क्रीम से अच्छा ये वाला फाउंडेशन लो, इसकी कवरेज भी अच्छी है, लाइट फील होता है, स्किन पर ग्रीसी हैवी नहीं फील होता. ओवरऑल आई लव्ड इट. इसके क्लेम्स है मैटिफाइंग क्ले फॉर शाइन फ्री लुक, मैचेस नेचुरल टोन, नेचुरल सीमलेस फिनिश, यूवीबी प्रोटेक्शन लिखा हुआ है, बट वो तो हम इग्नोर करते हैं बिकॉज देखो फाउंडेशन की एसपीएफ को कंसिडर मत किया करो, बिकॉज एक्चुअल एसपीएफ जो भर भर के लगाई जाती है ना वही सन प्रोटेक्शन देती है, इतनी सी एसपीएफ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. बट ओवरऑल आई रियली लाइक इट. अगर आप ओकेजनली मेकअप करते हो तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है. अब आ जाते हैं फेवरेट लिपस्टिक के ऊपर. सो अगस्त मंथ की आप ऑलमोस्ट लास्ट वीक बोल सकते हो, अगस्त का पूरे मंथ में तो मैंने वही पुरानी वाली जो मैं लिपस्टिक आपको सजेस्ट कर चुकी हूँ वही यूज़ करी थी, बट रिसेंटली मैंने इसको 2-3 बार यूज़ किया बिकॉज ये पीछे कहीं खो गई थी मेरे ड्रेसिंग टेबल में. मैंने रिसेंटली ना अपने ड्रेसिंग टेबल का डी क्लटरिंग करी थी, इंस्टाग्राम पर भी मैंने स्टोरीज डाली थी मैंने कैसे कैसे उसको डी क्लटर किया, स्टेप्स एंड ऑल सब कुछ डाला था बेसिकली. सो मेरी स्टोरीज देखा करो, थोड़ा बहुत मज़ा आएगा आपको मेरी स्टोरीज देखने में. सो तभी सफाई के टाइम ना पीछे निकले आया, मतलब ये कहाँ थी, इसको मैं इतने टाइम से मिस आउट करी थी, ये एक साल से शायद मेरे पास पड़ी है. आई रियली लाइक दिस शेड. सो ये भूला बिस्तरा मेरा कोई शेड वापस आ चुका है. सो ये लैक्मे 9 to 5 की वेटलेस मैट मूज लिप एंड चीक कलर. सो बेसिकली आप इसको अपने चीक्स पर भी यूज कर सकते हो. एंड लुक एट द शेड, इसका हल्का सा ना पर्पलिश एक वाइन सॉर्ट ऑफ अंडरटोन आता है, लेकिन इसका बहुत प्यारा न्यूड कलर है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, एकदम सटल कलर है. अगर आप ऑफिस जाते हो, कॉर्पोरेट जॉब एंड ऑल करते हो, आप चाहते हो कुछ भी लाउड नहीं लगाना, तो आप डेफिनेटली ले सकते हो बिकॉज इसी लिपस्टिक को आप अपने चीक्स पर भी यूज कर सकते हो. इनकी और भी ऑब्वियसली शेड्स आते हैं इस रेंज में से, बट आई फील ये वाला जो शेड है ना ये लिप्स और चीक्स दोनों पर सुंदर लगता है. अगर आपका मेरे जैसा स्किन टोन है आप डेफिनेटली इसको डैप डैप करके अपने चीक्स पर यूज कर सकते हो. फॉर्मुला इसका काफी कंफर्टेबल है, एकदम क्रीमी मैट, जैसे मिस्क्लेयर की सॉफ्ट मैट लिपस्टिक आती थी ना इसका बिल्कुल वैसा क्रीमी मैट फॉर्मुलेशन है. आई लव द फॉर्मुलेशन. क्वांटिटी आपको अच्छी मिल रही है और नायका पर अगर कोई अच्छी डील आती है ना तो डेफिनेटली आप ये रोज टच वेरियंट ट्राई करना, मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा. लुक्स वेरी नाइस ऑन द लिप्स. बाय द वे मैंने अभी एल्फ वाली लगाई हुई है, अभी मैंने वही नहीं लगवाई हुई है, बट वैसे मैं रेगुलर वेज में इसको काफी यूज करती हूँ बिकॉज अभी ये मैट हो जाएगी ना तो इसके ऊपर मास्क भी पहन लो तो इतनी टेंशन नहीं है, प्लस ये लिप्स को चैप नहीं करती. सो दोनों वेज में एकदम परफेक्ट है. माय नेक्स्ट मेकअप फेवरेट वॉज मोर लाइक अ हैक बिकॉज ये कॉम्पैक्ट मेरे पास काफी टाइम से पड़ा था. के ब्यूटी का मुझे पीआर आया था, उसमें मुझे ये वाली शेड रेंज भी रिसीव हुई थी. ये के ब्यूटी का मैट कॉम्पैक्ट इन द शेड 190N डीप. सो बाय द वे इनके जो कॉम्पैक्ट है ना वो NY ऐसे उसमें आते हैं. पी एन मीन्स न्यूट्रल अंडरटोन, वाई मीन्स येलो अंडरटोन, पी मीन्स पिंक अंडरटोन. सो पहले आप अपनी स्किन के अंडरटोन को चेक करो और फिर इनके कॉम्पैक्ट को ऑर्डर करना. सो मेरे पास ये रिसीव हुआ था 190N डीप. सो यू कैन सी काफी डार्क इसका कलर है, मेरे स्किन टोन के हिसाब से थोड़ा सा ये डार्क है. सो मैंने क्या किया, मैंने इसको एक दिन यूज किया एज अ कॉन्टोर. मैं रिसेंटली जब किसी की सगाई में गई थी अपनी फ्रेंड की, अगस्त में थी, मैंने इसको एज अ कॉन्टोर यूज किया एंड ओ माई गॉड सच अ ब्यूटिफुल कॉन्टोर. मतलब मेरे पास अभी जितने भी कॉन्टोर वाले पैलेट्स पड़े हैं ना वो एकदम जीरो हो गए इसके आगे. इतना ब्यूटिफुल ये ग्लाइड होता है, एकदम बटर है इसके अंदर, हैवी वैसे मैंगो बटर एंड ऑल बिकॉज इनके कॉम्पैक्ट बनते ही अच्छे अच्छे इंग्रीडियंट्स हैं, केयरिंग इंग्रीडियंट्स एज दे से, बहुत अच्छे से ग्लाइड होता है. और अभी रिसेंटली ना लास्ट वीक ही मैं एक ब्लॉगर को फॉलो करती हूँ ऑन इंस्टाग्राम, शी रिव्यू ड्यूब्स, मतलब वो ड्यूब्स बताती हैं. सो उन्होंने रिसेंटली अपने पोस्ट में भी यही डाला हुआ था कि ये बहामा मामा जो ब्रॉन्जर है, जो कल्ट फेवरेट ब्रॉन्जर है, उसका एग्जैक्ट ड्यूब है ये. इसका टोन एकदम मैच होता है, ब्यूटीफुली स्किन पर ग्लाइड होता है. द ओनली कॉन इज पैकेजिंग काफी स्लीक है ना, तो इन्होंने अंदर वो नहीं दिया जो पफ आता है, लाइक अगर आप इसको रेगुलर कॉम्पैक्ट की तरह यूज़ करोगे तो पफ नहीं है अंदर. मैंने अपने बैग में कॉम्पैक्ट इनका डाला हुआ है जो मेरे शेड का ही है, उसके अंदर मैंने नायका वाला पफ डाला हुआ है बिकॉज बिना पफ के तो कॉम्पैक्ट यूज़ नहीं कर सकते. पैकेजिंग काफ़ी क्लासी है, लुक्स वेरी प्रिटी, खाली पफ नहीं मिलता उसका कौन है, बट ओवरऑल अगर आप इसको कॉन्टोर की तरह यूज़ कर रहे हो ना, लव इट, आई थिंक इट इज़ सो ब्यूटीफुल. नाउ कमिंग टू फैशन फेवरेट, सिंस मैं काफ़ी सारे हॉल्स बनाती रहती हूँ, फैशन भी ट्राई ऑन करती रहती हूँ नया नया हर मंथ, सो अबसे मैं सोच रही हूँ ये कैटेगरी भी ऐड ऑन कर देती हूँ. सो अगस्त मंथ जो मेरा सबसे पहला फेवरेट फैशन आइटम रहा ना वो है ये स्लिपर्स जो मैंने अमेज़न से ली थी. यू कैन कॉल इट सैंडल्स, जो चंकी सैंडल्स या फिर आती हैं इनको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली आई डोंट नो इनका क्या नाम है, आप मुझे नीचे कमेंट से बता देना. सो व्हाइट कलर का इनका चंकी बेस है, ब्लू कलर की इनकी स्ट्रैप्स हैं, ओ माय गॉड
दे आर सो 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 कम्फी. मैं इनको अब तक 4-5 बार पहन चुकी हूँ. मैं कल भी करोड़बाग गई थी शॉपिंग के लिए, मुझे लहंगा एंड ऑल लेना था अपकमिंग वेडिंग सीजन के लिए. सो काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता है मार्केट्स में, और ऐसे फ्लैट बेलीज पहन लो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. शूज़ पहनो तो बार बार उतारने पड़ते हैं, बिकॉज काफ़ी शोरूम्स में नीचे बैठना होता है आपको, शूज़ उतारने पड़ते हैं ट्राई करने के लिए भी. तो ये वाले जो सैंडल्स है ना एकदम परफेक्ट है, वेलक्रो लगी हुई है, फटाफट झुके, वेलक्रो खोला, बंद कर लिया. स्वेटिंग का कोई इशू नहीं है, बिकॉज काफ़ी लड़कियों को स्वेटिंग भी होती है, उसकी वजह से फुटवेयर में से स्मेल आने लग जाती है. ये ओपन सैंडल है तो स्वेटिंग का कोई इशू नहीं होता. हाइट इससे इतनी अमेजिंग मिलती है, बिकॉज ये अच्छी खासी चंकी सैंडल है ना, तो मेरी हाइट भी थोड़ी सी अच्छी लगती है इसके अंदर. ओवरऑल लव इट, एकदम अफोर्डेबल प्राइस पे. अगर आपको मैं रिकमेंड करूंगी ना फुटवेयर ऑनलाइन, आप ये जरूर ट्राई करना. अगर आपका कॉलेज एंड ऑल स्टार्ट हो रहा है, या फिर आप ऑफिस जाते हो, कुर्तियों के नीचे भी अगर आप पहन सकते हो, आपके ऑफिस में अलाउड है, कॉलेज हो तो आप पहन ही सकते हो, डेफिनेटली ग्रैब इट. उस हॉल का लिंक भी डाल दूंगी, प्लस की वाली फुटवेयर का लिंक भी नीचे डाल दूंगी अमेज़न से जो मैंने ली है. डू ट्राई आउट, ट्रस्ट मी, बहुत कंफर्टेबल है. माई नेक्स्ट फैशन फेवरेट इज अगेन फ्रॉम Amazon ओनली. ये भी आपने मेरे रिसेंट हॉल में देखी होगी, और इसको मैंने इतनी बार पहन लिया ना तब से, आई एम लविंग इट. अगर जिस दिन भी आपका हैवी टाइट कुछ भी फंसी हुई डेनिम पहनने का मन नहीं होना, लेकिन स्टिल आपको एक एलिगेंट लुक चाहिए, ये ट्राउजर इतनी प्रिटी लगती है ना. मैंने रिसेंटली मॉल में पहनी, मैं भी स्टेकेशन के लिए गई थी, मैं तब इसको पहन के गई, बिकॉज मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगती है. सो ये ऑलमोस्ट मिड राइज आती है ना, हाई राइज है ना लो राइज, एकदम मिड राइज की पोजिशन आती है. पॉकेट इसमें अच्छी है, लाइक मैं बिल्कुल डीप नहीं बोलूंगी, बट ठीक ठाक है, आप फोन रख सकते हो. साइड में ऐसे स्ट्राइप्स जा रही है पूरा ही नीचे तक, एकदम रिलैक्स पैंट्स हैं, वेरी वेरी कंफर्टेबल. इसका मटेरियल बहुत अच्छा है, वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज द मटेरियल. मैंने काफ़ी सारी पैंट्स ऑनलाइन मंगाई है मिंत्रा से, आजियो से, लेकिन अब तक मुझे इसका सबसे बेस्ट थिक मटेरियल लगा. बिल्कुल भी ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, आप इजीली ऑफिस में भी पहन सकते हो, बिकॉज इसकी काफ़ी अच्छी फॉर्मल लुक भी आती है. दिस बाय द वे फ्रॉम द ब्रांड हर्पा. मैंने साइज लिया है 28, बिकॉज 28 मुझे एकदम परफेक्ट आता है. आप डेफिनेटली अपने वेस्ट साइज के हिसाब से साइज चार्ट मैच करके ले सकते हो. अगेन लव इट, ये मैंने अमेजोन से ली थी, ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं बोलूंगी, बट जिस हिसाब से इसकी क्वालिटी है ना, आई कैन डेफिनेटली से इट इज वर्थ इट. नाउ कमिंग टू स्मॉल बिजनेस शाउट आउट्स. आपको पता होगा मेरे मंथली फेवरेट्स के अंदर मैं एक या फिर दो या फिर जितने ही मुझे अच्छे लगते हैं पूरे मंथ में, जो भी मुझे पीआर एंड ऑल रिसीव हुआ है उसमें सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है, मैं उनको शाउट आउट देती हूँ यहाँ पर. सो इस मंथ का जो सबसे बेस्ट लगा आपने पूरे मंथ ही बैकग्राउंड में देखा है और अभी भी आपको दिख रहा होगा, वो है ये नेम फ्रेम. सो दूर से तो आपको लग रहा होगा खाली कशिका लिखा है, बट ऐसा नहीं है. आप जैसे जैसे इसके पास आओगे ना, आपको मेरी इमेजेस दिखेंगी इसके अंदर. सो हर लेटर के अंदर मेरी एक इमेज है. आप कुछ नहीं करना है, इनको अपनी इमेजेस सेंड करनी, अपना नेम बताना है. सो उस हिसाब से कस्टमाइज कर देते हैं. और नीचे मैंने एक कोट भी लिखवाया है, नॉट जस्ट अ कोट, एक सिंपल सी लाइन है, इट सेज ब्लेस्ड, थैंकफुल एंड फोकस. मुझे काफी अच्छी लगी, आई फील ब्लेस्ड कि मुझे इतना प्यार मिल रहा है. आई एम थैंकफुल टू यू गाइस एंड आई एम फोकस्ड एज वेल कि मैं आगे जाके और अच्छा अच्छा कर पाऊँ आप सबके लिए. इसका नाम है बाय द वे onedestination_shop. मैं लिंक नीचे डाल दूंगी, आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो. अगर आपको शॉप करना होगा तो आप शॉप भी कर सकते हो. तो लास्ट में आती है फूड कैटेगरी. सो इस बार का जो मेरा फेवरेट फूड आइटम रहा है ना, जो मैंने एक जार खत्म भी कर दिया और मेरा सेकेंड जार चल रहा है, वो ये बीन ट्री का मिक्स बेरीज. मेरा इनके साथ गिव अवे भी चल रहा है, जो आई थिंक कल खत्म हो जाएगा, कल या परसों खत्म होने वाला है. मैंने यूट्यूब पे कमेंट आप भी इन्फॉर्म किया था, दो विनर्स को मिलने वाला है इनके गिफ्ट हैम्पर बेसिकली. सो उसमें जो मेरा सबसे फेवरेट रहा है ना, इनके नट्स तो मुझे डेफिनेटली पसंद है, नट्स तो बहुत अच्छे लगते हैं, रोस्टेड सॉल्टी से होते हैं, लेकिन इनकी बेरीज इतनी यम है ना. इसके जो क्रैनबेरी वेरियंट है वो नीचे रखा है, उसके अंदर खाली क्रैनबेरीज है, और मेरी नीस को इतना ज़्यादा पसंद है. शी इज़ जस्ट 1.5 ईयर ओल्ड, नॉट इवन 1.5, अभी वो 1.5 साल की भी नहीं हुई है. वो दूर से जार देखती है एंड शी जस्ट शाउट्स यम 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 यम, और वो लिटरली वो क्रैनबेरीज इतने खुश होकर खाती है ना, आई लव इट. बिकॉज बच्चों को कैंडी टॉफी चॉकलेट देने से अच्छा आपके बेरीज दो, ये ज़्यादा हेल्दी हैं, ज़्यादा सेफ हैं बच्चों के लिए. पहले मिक्स बेरीज हैं जिसको मैंने स्टूडियो रूम में रखा हुआ है, नीचे मेरे पास क्रैनबेरीज हैं, दोनों ही मुझे काफ़ी पसंद है. मिक्स बेरीज में आपको काफ़ी सारी बेरीज मिलती हैं ड्राई आउट फॉर्म में, कुछ इस तरह से दिखती हैं, यू कैन सी, एंड सो यम यार, ऐसे ड्राइड है बिल्कुल, आई लव इट. यम लगती है ना, ऐसे बीच भी है, जिसको मुझे अभी निकालना पड़ेगा, बहुत अच्छी. आप इसे खाली बैठे हो च्यू कर सकते हो, आपका कोई भी मन करता है थोड़ा सा मीठा खाना और आपको चीनी या कैलरी बेस्ड कुछ नहीं खाना, तो डेफिनेटली आप ये ले सकते हो. बाय द वे इसके अंदर क्रैनबेरी है, ब्लूबेरी है, प्लम है, ड्राइड स्ट्रॉबेरी है, ब्लैक करंट है. इसका बेनिफिट है कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल, रिजन एंटीऑक्सीडेंट, बूस्ट मेटाबॉलिज्म. सो ओवरऑल दिस आर वेरी हेल्दी. आप इनको अपने कुकीज और केक्स में भी डाल सकते हो. ओह यस, आप अगर केक बनाते हो तो आप उसमें भी डाल सकते हो. आई एम सॉरी मैं खाते हुए बोल रही हूँ, बट मैंने अभी पढ़ा हूँ तो मुझे आइडिया आ गया है, एंड डेफिनेटली मैं इसको अपने केक्स में भी डाल सकती हूँ. सो वेरी मल्टी यूज, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. बीम ट्री के सारे जो स्नैक्स हैं वो अमेज़न पे मिलते हैं, सो आप चेक कर लेना.
एंड दैट इज इट फॉर माई ऑगस्ट मंथ फेवरेट्स वीडियो. इन सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो प्लीज चेक कर लेना. बाय द वे, मेरे पुराने फेवरेट्स भी आप जाकर देख सकते हो, चाहे वो महीना निकल चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट्स मेरे फेवरेट्स नहीं है. मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है मंथली फेवरेट्स की, मैं नीचे लिंक कर दूंगी, आप वहाँ जाकर कोई भी मेरा मंथ का फेवरेट्स देख सकते हो. काफी अच्छा अच्छा आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल ही जाएगा. डू फॉलो माई इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट्स. काफी सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यूज तो मैं इंस्टाग्राम पर ही कर देती हूँ, सो यहाँ पर आते हैं थोड़ा सा लेट हो जाता है, लेकिन वहाँ पर आपको जल्दी मिलते हैं. सो स्टोरीज पे आप हुक्ड रहा करो मेरी. माय इंस्टाग्राम हैंडल इज kashika.chauhan एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो इफ यू फाइंड दिस हेल्पफुल, एंड बाय बाय.